धेनुपुर के संकुलधारा पोखरे के पास पावर हाउस के सामने मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने सड़क पर खड़े लोगों को धक्का दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर और करीब 3 से 4 लोगों को मामूली चोट आने से प्रारंभिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर फेलुपुर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से 2 घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी से अरोरा सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव अपने घर बालाजी नगर कॉलोनी सामने घाट जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से वह अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े चाय पान कर रहे लोगों को धक्का मारते हुए लालजी ढाबा में जोरदार टक्कर दे मारी। घटना में लालजी यादव व दयालु यादव मूल निवासी ग्राम महेवा थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज BHU के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गाड़ी आ रहा था, देखे हम एकदम खड़े थे, एकदम खड़े एकदम साला एकदम परेशर एकदम ढीले एकदम रहते एकदम सब सबको एकदम चपले पाँच छः जनों को एक्सीडेंट कराए हैं। आपके आदमी की कितना चोट हुई? कपार में लगा है। घायल हुआ है? कौन कौन घायल हैं? लालजी यादव, दयालु गुरु यादव, तीन लड़के बाहरी थे। हाँ, तीन लड़के भारी थे। एक वहाँ था तो एक हम पानी पिया हुआ के उसको कराया, फोन कर दिए आया गाड़ी वाले लेके चले गए। ये जो 2 लोग ट्रामा सेंटर में हैं, इनकी हालत कैसी है? इनकी हालत अभी सुस्त है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, पर चाट सीने में पूरा शरीर में लगा, पूरा शरीर ही है पूरा।